पशुपति कुमार पारस के सितारे जो है वो गर्दिश में चल रहे हैं, उनका दिन अच्छा नहीं चल रहा है। पहले तो उनकी पार्टी को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, जितने भी सांसद थे सबका टिकट काट दिया गया, विनय देवी बच गई क्योंकि वो चिराग के साथ चले आई। बाकी केंद्रीय मंत्री रहे पशुपति कुमार पारस जो है वो अब किसी पद पर नहीं है। इसके बाद चर्चा हुई कि वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन उसे भी पत्ता कट गया। और अब देखिए बिहार के जिन चार सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, उसमें तरारी सीट पर दावा था पशुपति कुमार पारस का। पारस कह रहे थे कि उनके प्रत्याशी जो है नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे वो चुनाव लड़ेंगे और एनडीए से उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन देखिए अब एक बड़ा झटका जो है वो पशुपति कुमार पारस को लग रहा है। आज 16 अगस्त है और आज सुनील पांडे बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वही सुनील पांडे जिनका एक अच्छा खासा दबदबा न सिर्फ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी में रहा है, बल्कि तरारी विधानसभा से वो कई बार विधायक भी रहे हैं। साल 2000 में वो पहली बार विधायक बने थे जब वो मात्र 34 साल के थे, पियरो से विधानसभा है। हालांकि वो मूलतः वो रहने वाले हैं रोहतास के, लेकिन उनका जो राजनीतिक क्षेत्र है वो भोजपुर है और भोजपुर और रोहतास जो है वो सटा हुआ इलाका है। अब देखिए इसका क्या असर पड़ेगा, अगर बीजेपी सुनील पांडे आज ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि बीजेपी से तरारी सीट को लेकर उनकी जो डील है वो फाइनल हो गई है। क्योंकि तरारी में अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे कौशल विद्यार्थी, उनसे भी अधिक वोट निर्दलीय रहते हुए सुनील पांडे ने लाया था। जी हाँ, सुनील पांडे बाहुबली छवि के नेता हैं, काफी दबंग नेता माने जाते हैं। बावजूद इसके कई बार वो चुनाव लड़ते रहे हैं, जीते हारते रहे हैं, लेकिन राजनीति उन्होंने कभी छोड़ी नहीं है। तो सुनील पांडे का आरएलजेपी में काफी दबदबा था, उनके दम पर ही पशुपति कुमार पारस ने उपचुनाव में एनडीए से सीट मांगी थी। और अब जब वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि पशुपति कुमार पारस का पत्ता बिहार में जो बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उससे भी पूरी तरीके से कट चुका है। देखिए सुनील पांडे का बिहार की राजनीति में अलग ही रुतबा रहा है, उनका नाम बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार होता है। भले ही वो मूल रूप से रोहतास जिला के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत भोजपुर के पियरो विधानसभा क्षेत्र से की थी। और साल 2000 में जिस समय उनकी उम्र महज 34 साल थी, उस समय वो पहली बार पियरो से विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा कि पशुपति कुमार पारस का इन दिनों समय जो है वो साथ नहीं दे रहा है। यही समझिए कि उनका समय जो है वो विपरीत चल रहा है। चिराग पासवान से उनकी अदावत रही, एक परिवार के लोग थे, लेकिन पार्टी को तोड़ दिया गया, चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए और पशुपति कुमार पारस लगा ऐसा कि वो बाजी मार गए। लेकिन बीजेपी ने सारा हिसाब किताब मिला जुला कर बराबर कर दिया, चिराग को 5 सीटें दे दी और पारस को कुछ भी नहीं मिला, यानी उनका अपना सीट भी नहीं बच पाया। और उसके बाद राज्यसभा की चर्चा हुई, वहां पर भी पारस को लटका दिया गया। और अब देखिए एकमात्र जो अंतिम उम्मीद थी पशुपति कुमार पारस को कि वो तरारी सीट पर दावा करके अपनी पार्टी को एक बार दोबारा जिंदा कर सकते हैं, उन तरारी सीट के जो प्रत्याशी हैं सुनील पांडे, वो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब पशुपति कुमार पारस का भविष्य जो है वो पूरी तरीके से अधर में लटक चुका है। बीजेपी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर करेगा कि पारस क्या करते हैं। देखिए दो दिन पहले पशुपति कुमार पारस का बयान भी आया था जिसमें उन्होंने परिवार को जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान चाहेंगे तो परिवार फिर से एक हो सकता है। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पारस कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ऐसे में अब फिर से चिराग को साथ जोड़ना एक रणनीति ही हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके की अदावत दिखी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच, ये लग रहा था कि यह सुलह कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन जब दिन खराब होता है, जब स्थिति बिगड़ जाती है, तो व्यक्ति कहीं पर भी झुकने को तैयार हो जाता है और साथ पशुपति कुमार पारस उसी दौर से गुजर रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।